जय हिंद, गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस इज अंकित। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो लैपटॉप मिलने वाला था उसमें कुछ एक नए तरीके के क्वेश्चन। स्टूडेंट का कहना है कि क्या हम दो कोर्स कर रहे हैं तो हमें लैपटॉप या जो टैबलेट स्मार्टफोन मिलने वाला है, या फिर लैपटॉप की बात हो रही है, बट लैपटॉप कन्फर्म नहीं है, बट स्मार्टफोन की बात हो रही है और टैबलेट की बात हो रही है, तो हम दो कोर्स कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जो पॉलिटेक्निक कर रहा है, उसके साथ ही बीए कर रहा है, उसमें भी रेगुलर वाला क्लास अटेंड कर रहा है, ठीक है, हालांकि वो बात है सेटिंग से हो जाता है उन लोग का, लेकिन इस तरीके की चीजें हो रही हैं। या पॉलिटेक्निक कर रहा है उसके साथ साथ बीटेक कर रहा है, मतलब बीटेक तो नहीं, हाँ बीटेक भी कुछ लोग करा सकते हैं, वो व्यवस्था से हो रहा है, ठीक है। साथ में अगर बीएससी भी कुछ लोग कर रहे हैं पॉलिटेक्निक के साथ, या फिर आईटीआई के साथ कर रहे हैं, या फिर वो लोग मेन बीएससी को ले रहे हैं लेकिन पार्ट टाइम में आईटीआई ले रहे हैं, इस तरीके से वो अपना कुछ तरीके से मेंटेन करके अपना काम कर रहे हैं, एडमिशन करवाए हैं, उनका काम चल रहा है। अब बात यहाँ पे है, एक जेन्युइन क्वेश्चन लगभग 15-20 लोग का इस तरीके क्वेश्चन आया कि सर हम दो कोर्स कर रहे हैं तो हमें कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, क्या हम दो भर देंगे तो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिए और समझिए स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला मैं बताना चाहूंगा कि जो चीजें फॉर्म भरने की ना, काफी कॉलेज वाले आपसे डाटा भरवाएंगे तो आप तो भर देंगे, कुछ कॉलेज वाले अपने से डाटा भर देंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग जो कोर्स में डायरेक्ट जा रहे हो, जहां पे डेली क्लासेस पे आप जा रहे हो बेसिस पे, वहां का आप क्या कीजिए कि इसे भरने की कोशिश कीजिए, ठीक है, फॉर्म को। जैसे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, बीए रेगुलर लिखाया है या फिर बीएससी रेगुलर लिखाया है, कहीं उसकी सेटिंग से मतलब कॉलेज वगैरह हो जा रहा है व्यवस्था, और पॉलिटेक्निक भी कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसको पॉलिटेक्निक में अगर भराया जाता है टैबलेट वाला फॉर्म या कालू स्मार्टफोन वाला फॉर्म, तो उसे यहाँ पे भरना चाहिए, ना कि वहां दूसरी जगह। अगर दूसरी जगह से भरा जा रहा है तो एक बार वो कंफर्म कर ले कि वहां पे फॉर्म भरा जा रहा है तो क्या भरा जा रहा है, नहीं भरा जा, अगर भरा जा रहा है तो उसे एक जगह करे रोक दे, ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ क्यों, पहले ध्यान से सुनो। अगर आप कोशिश करेंगे कि हमें दो मिल जाए, बोर्ड एग्जाम हो या फिर जेईई नीट, या फिर हो पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम, पढ़ाई में किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए उसका सोल्यूशन स्टैंड पाने के लिए आज डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से फिलो ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आप 24/7 बिल्कुल लाइव अपने क्वेश्चन को 3 स्टेप में उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए, मतलब पहले तो इस ऐप को डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पे सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन वाले से डाउनलोड कीजिए, मोबाइल नंबर डाल करके इसको साइन अप कर लीजिए, बहुत ही ईजी है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फोटो को क्लिक करके या फिर सर्च करके यहां से आप क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं, और यहाँ पे टीचर 60 सेकंड के अंतर्गत लाइव आएंगे और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उन सबको बड़ी इजी तरीके से सॉल्व कर देंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें लाइव आके और किसी भी समय आपको सॉल्यूशन पा सकते हैं, तो इस ऐप का ये बढ़िया बहुत फीचर है। तो आज डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से फिलो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल। तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्या पता चले कि दो लेने के चक्कर में एक भी ना मिले, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि एक ही जगह से फॉर्म भरिए, ठीक है, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका फिर हाथ से भाई आते आते स्मार्टफोन या टैबलेट चला जाएगा और फिर समझ लेना क्या होगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए इस तरीके के जो कोर्सेस कर रहे हैं, जो चीजें चल रही हैं, उनमें एक ही फॉर्म भरें। तो ये थे बहुत लोगों के क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे अगर आप भर देते हैं तो जब डाटा को मैच कराया जाएगा तो सब डिटेल तो आपकी सेम रहेगी, एक में बीएससी कर रहे हैं तो एक में कर रहे हैं, तो आ जाएगा तुरंत ना। और हाँ, इतना ही नहीं, जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक तो रेगुलर कर रहे हैं, उसके साथ साथ बगल में बीएससी या बीए वो भी रेगुलर में टाइप में अगर लिखा लिया, हालांकि एक प्राइवेट टाइप का तो वो लिखा लिया तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन अगर वहां पे भी रेगुलर लिखा दिए हैं तो उनके लिए भी और इससे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे बताता हूँ कि एक व्यक्ति कैसे दो जगह रेगुलर क्लास कर सकता है, सोचने वाली बात है कि नहीं है, तो इसी वजह से वहां तुम और भी फंस सकते हो। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि एक ही जगह फॉर्म भरना, क्योंकि डाटा ये लोग मैच करने लगेंगे तो दिक्कत आ सकती है। अब आपको पता ही है कि एक गवर्नमेंट भाई कोई भी एक्शन ले लेगी तो आपके हाथ से स्मार्टफोन या फिर टैबलेट जा सकता है। तो मैं तो भाई, मेरी तो यही सलाह है कि आप लोग जो भी इस तरीके का किए हैं वो एक ही फॉर्म पे अपना ध्यान लगाएं, 2-3-4 पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एक टैबलेट या एक स्मार्टफोन काफी होता है, ठीक है। तो ये था पूरा अपडेट, काफी लोग क्वेश्चन कर रहे थे इस वजह से ये वीडियो बनाएगी। बाकी ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।